नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। रुक करेंगे आज की तमाम खबरों की ओर। फ्रांस के दो दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए यूएई पहुंचे हैं। इस दौरान उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया, साथ ही यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में उनका स्वागत राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायन ने किया। इससे पहले अबूधाबी के एयरपोर्ट पर उन्हें यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने रिसीव किया। इसके बाद वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नायन से मिले। पीएम मोदी के स्वागत में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे और उनकी तस्वीर के साथ वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा गया। भाजपा की बैठक को लेकर कांग्रेस के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं और मुंह से तीखे बोल निकल रहे हैं। बता दें कि भाजपा की बैठक को लेकर कांग्रेस संचार विभाग का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को चुनाव समिति की बैठक लड़ने की वजह समीक्षा बैठक करनी चाहिए। आगे कहा कि आरोप पत्र समिति को अपने ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करना चाहिए, जिनके कारण भाजपा की यह दुर्दशा हुई है। 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान 30 से ज्यादा 1,00,000 करोड़ के घोटाले किए गए, उसके लिए भाजपा संगठन को आरोप पत्र तैयार करना चाहिए और भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। बेगमपुर में आकाशीय बिजली के कारण ट्रांसफार्मर जल गया, जिसके कारण 5 दिनों से अंधेरे में रह रहे ग्रामीणों ने बहादुराबाद बिजली कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांग भी की कि अगर जल्द ही ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो रोड पर बैठ प्रदर्शन करेंगे और रोड को जाम कर देंगे। अगली खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अक्षय पात्र के द्वारा आई मिड डे मील के भोजन में भारी मात्रा में कीड़े निकले हैं। बता दें कि जिस कारण 30 से 40 बच्चों की तबीयत बुरी तरीके से बिगड़ गई है और अब अक्षय पात्र फाउंडेशन के कुछ कर्मचारी कीड़े वाले खाने को फेंकने की कोशिश में लगे हुए हैं। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां थाना हाईवे क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कलेक्शन करके लौट रही महिला कर्मचारी के साथ लूटपाट हुई, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने रेकी कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक बदमाश फरार है, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा हुआ है। 12 जुलाई को थाना हाईवे क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें एक महिला कलेक्शन एजेंट जो सत्या माइक्रो कैपिटल नाम की माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उनका कलेक्शन लेके जा रही थी। उनके पास 65,070 रुपये थे बैग में, उसके अलावा टैब और मोबाइल फ़ोन था। बाइक सवार बदमाशों ने उनके साथ लूट की घटना कारित की थी। अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्काल सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पर गए और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें शुरू की गई। सारे कैमरे खंगाले गए। SOG की टीम और थाना हाईवे की टीम को इसमें अच्छी सफलता मिली है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया गया है और इसमें 3 अभियुक्त सुमित, मोहन और शेर सिंह, जो शंकरपुरी कॉलोनी थाना हाईवे के रहने वाले हैं, इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में कहर बरपाने के बाद अब यमुना मथुरा में अपना विकराल रूप दिखा रही है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना में बड़े जलस्तर की वजह से अब सबसे ज्यादा दिक्कत निचले इलाकों में अपना आशियाना बनाकर रह रहे लोगों के सामने आ रही है। वहीं यमुना का पानी मथुरा वृंदावन की एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनी में घुस गया है, जिसकी वजह से लोग अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोग अपना सामान सहित प्रशासन द्वारा वृंदावन के हजारीमल इंटर कॉलेज में बाढ़ राहत शिविर में पहुंच रहे हैं। बता दें कि यमुना में आई बाढ़ की वजह से मथुरा वृंदावन की एक दर्जन से अधिक कॉलोनियां प्रभावित हुई हैं, तो वहीं वृंदावन में लोग अपने कीमती सामान के साथ साथ अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। करीब करीब 40 घरों में पानी है अंदर और सभी घरों में गोटू गोटू पानी है और घरों के बाहर गर्दन तक पानी है। बहुत पानी की बहुत बुरी स्थिति हो गई है अंदर तो, और घाट के पास जमुना जी स्कीम आ चुकी है जो आज से 70-80 साल पहले बहती थी। हमने नहीं देखा, अब हमारे बुजुर्ग बताते थे, उसके बाद में हमने तो अब देखा है जमुना जी को। यहाँ पर सर घर में कमर से ऊपर तक का पानी है और लगभग हम यहाँ पर सुबह 10 बजे आए, फिर पुलिस वालों से बातचीत हुआ, उन्होंने रहने के लिए बताया और फिर आए थे मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने खाने पीने के लिए पूछा था,
तो हमने कहा सर अभी तक तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने किसी से बात किया, खाना पीना आने वाला होगा और जो स्कूल के बच्चों के लिए खाना बना था वो हमारे बच्चों के लिए 15-16 जनों के लिए भेजा गया था। यहाँ पानी आने की संभावना है, वहाँ लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग शिविरों में आ जाएं और उन जगह को स्थान को खाली कर दें। और आज भी हमारा जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है और प्रयास कर रहे हैं, लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप उन जगह को छोड़ दीजिए जहाँ रात को पानी बढ़ सकता है। क्योंकि अभी हमने पता किया है तो अब मथुरा में जो हमारा यमुना का जलस्तर है वो लगभग खतरे के निशान तक पहुंच गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय सीट सुर्खियों में रह सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा इस संबंध में स्थानीय पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। चर्चा है कि इस संबंध में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही मुंबई जाकर अमिताभ बच्चन और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन से मुलाकात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।